अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम आपको हमारी यूट्यूब चैनल जी न्यूज जी में। दोस्तों आज 20 मई बरोज बुध 2020 पाकिस्तान की गोल्ड मार्केट से यानी कराची ज्वेलर एसोसिएशन में सोने की फी तोला और 10 ग्राम सोने की क्या कीमतें चल रही है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि मैं आपको पाकिस्तान की गोल्ड मार्केट की ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह कर सकूं। तो वीडियो की तफसील में आगे जा आने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल जी न्यूज जी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों आज फिर से सोने के खरीदार हो जाएं जल्दी से तैयार। वैसे आप सभी यही कहेंगे कि बस सोना खरीदने वाले और नाना भाई, बल्कि सोना बेचने वाले और तो सोने के जेवरात बनवाने वाले, यहां तक के शादी का इरादा रखने वाले सभी के सभी जल्दी से हो जाएं तैयार, क्योंकि पाकिस्तान में सोने की कीमत आज मुंह के बल नीचे आ गिरी। और तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों आपको याद करवा दें कि कल पाकिस्तान में सोना महंगा हुआ था, लेकिन दोस्तों आज पाकिस्तान में सोना फिर से सस्ता हुआ। जबकि आज आलमी बिलियन मार्केट में सोने की फी औंस कीमत में $26, जबकि मुल्की सराफा मार्केटों में भी फी तोला और 10 ग्राम सोने की कीमतों में आज 1392 रुपए और 10 ग्राम सोने की कीमत में 965 रुपए की जबरदस्त कमी वाकया हुई। जबकि मीडिया न्यूज के मुताबिक आलमी बिलियन मार्केट में सोने की फी औंस कीमत में $26 कमी से आलमी बिलियन मार्केट में सोने की फी औंस कीमत $1736 की सतह पर पहुंच गई, जिसके बाद मुल्की सराफा मार्केटों में भी फी तोला और 10 ग्राम सोने की कीमतों में आज एक बार फिर कमी देखने को मिली। कीमतों में कमी के नतीजे में कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और क्वेटा के सराफा मार्केटों में भी फी तोला सोने की कीमत में 1392 रुपए कमी होने के बाद फी तोला सोने की नई कीमत 95,608 रुपए रही और 10 ग्राम सोने की कीमत में 965 रुपए कमी होने के बाद 10 ग्राम सोने की नई कीमत 82,041 रुपए की सतह पर पहुंच गई। और दोस्तों आज पाकिस्तान में फी तोला चांदी की कीमत आज भी बगैर किसी इजाफे के 1,000 रुपए और 10 ग्राम चांदी की कीमत बगैर किसी इजाफे के 900 रुपए में फरोख्त हो रही है।